पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पर लोगों को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। सब्सिडी का ये लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो आर्थिक रूप से बेहतर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2016 को मन की बात कार्यक्रम में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया और उनकी अपील का जबरदस्त असर देखने को मिला। सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर छोड़ने के लिए लाखों लोग आगे आए। देखें मन की बात कार्यक्रम के कुछ अंश। मैंने जनता जनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातों बातों में कहा था कि अगर आप साल भर के 1500-2000 रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ देते, किसी गरीब के काम आएगी। ऐसे ही मैंने बात कही थी। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, मुझे नाज हो रहा है मेरे देशवासियों पर, 1 करोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सब्सिडी सरेंडर कर दी और ये 1 करोड़ परिवार अमीर नहीं है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 26 मार्च को आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 99वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माईगोव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा और इसके अलावा आकाशवाणी व दूरदर्शन के यूट्यूब चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा।